भैया आराम से भैया। रहने दो ना भैया। रुकिए भैया। हाँ भैया। क्या हुआ खंडू? प्रणाम साईं। हर रोज की तरह भैया और मैं साथ खेत जा रहे थे तो अचानक से भैया गिर पड़े, उनके पैरों में चोट आई है। साईं, आज मुझे खेतों में सिंचाई करनी थी पर इस हाल में इनको छोड़कर जा भी तो नहीं सकता। अगर सिंचाई नहीं हुई तो फसल को नुकसान होगा। चिंता मत करो खंडू, तुम सिंचाई करने जाओ, मैं इनका ख्याल रखूंगा। शुक्रिया सही। राम जी भला करें। अभी तक नहीं लौटे भिक्षा मांगकर? अंदर ही अंदर इतनी घबराहट क्यों है? जीवन है, जैसे बचपन और जवानी इसकी सच्चाई है, वैसे ही बुढ़ापा भी तो इसकी सच्चाई है। फिर इससे घबराना क्या, लड़ना क्यों? साथ साथ चलिए इसके। अगर शरीर साथ नहीं देता तो शरीर की बात सुनिए, संघर्ष मत करिए। स्वीकार करेंगे तो शक्ति मिलेगी। सरकार, हरिओम। रत्नाकर राव साहब ने भेजा है। अब क्या चाहता है वो मुझसे? आपके लिए आमंत्रण भेजा है। प्रवेश के शुभ अवसर पर मैं आपकी कृपापूर्ण उपस्थिति का अभिलाषी हूं, रत्नाकर राव। कौन है ये रत्नाकर राव? कल तक तो इनका नाम भी नहीं सुना था और आज आमंत्रित तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बरसों पुरानी पहचान हो। वो हमें जानता है कि नहीं जानता या हम उसे नहीं पहचानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नया नया आया है शिरडी में, ऐसी तो जान पहचान बढ़ती है। और इतने मान सम्मान से वो न्योता देने आया था। और कम से कम अप्पा, तुझे तो जरूर जाना चाहिए। जो, जो। हाँ दादा।
बुलाया तुमने? मेरे वस्त्र तैयार रखो, रत्नाकर राव के घर जाना है। रात्रि भोज के लिए निमंत्रित किया है उसने। भोजन के लिए? अरे वाह, उनके यहाँ? वो इतने महंगे महंगे उपहार लाए थे जब मिलने आए थे, भोजन तो कितना शानदार होगा। क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे लिए सबसे अच्छे वस्त्र और मेरे लिए सबसे सुंदर साड़ी निकालती हूँ मैं, अभी आती हूँ। केवल मुझे आमंत्रित किया है उसने। सच? जब आया था तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जाके देखता हूँ कि बातों जितना बड़ा है भी या नहीं। सुनो, एक दायित्व दे रहा हूँ। रुक्मिणी को जो दंड दिया है वो दंड समाप्त होने के पश्चात ही उसके मुंह में अन्न का दाना जाए, इस पर ध्यान रखो। यो। हाँ दादा। भैया, मैं आ गया। भैया मैं आ गया। ठीक हो? अरे भैया, आपका पैर ठीक हो गया भैया? हाँ खंडू। हाँ शुक्रिया साईं। अल्लाह मालिक। साई साई साई। अभी तक नहीं आया। दोपहर से शाम हो गई, सुबह से एक बार भी नहीं मिली हूँ उससे। जब उससे नहीं मिलती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक से जलाओ, सारे घर में उजाला होना चाहिए। और ये क्या गेंदे के फूल उठाकर ले आए? साहब का उठना बैठना अंग्रेजों के साथ होता है तो सब कुछ अंग्रेजी संस्कृति जैसा होना चाहिए। और वो साहब ने बंबई से फूल मंगवाए थे वो कहा है? जाओ लेकर आओ। जी सर। नंदलाल। जी साहब। सब कुछ समय पर हो जाएगा ना? आप बेफिक्र रहिए साहब, आपकी भव्यता देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। उन्होंने अपनी जिंदगी में ना ही ऐसी शानदार भोजन की मेज देखी होगी और ना ही ये भव्य सजावट और ना ही ये छुरी काटे चम्मच। उन सबको यहाँ आमंत्रित करने के पीछे मेरा उद्देश्य भी यही है। लेकिन साहब, कुलकर्णी सरकार को न्योता देना तो समझ में आता है, लेकिन इन गांव वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी? नंदलाल, कुलकर्णी तो हमें सिर्फ जमीन दिलवा सकता है, लेकिन अगर शिरडी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है, नियंत्रण पाना है, तो आगे जाकर हमें कुछ और लोगों की जरूरत भी पड़ सकती है। कुलकर्णी के पास शक्ति है, सत्ता है, लेकिन लोगों के मन में उसके लिए सम्मान नहीं है। अप्पा पाटिल वो व्यक्ति है जिसका सारा गांव सम्मान करता है, उसकी बात पूरे गांव में कोई नहीं टालता।
मालसापति गांव का पुजारी है, धार्मिक लोग सब उसके प्रभाव में है, बात तो उसकी भी कोई नहीं टालेगा। बाकी बचा गंगारा, तो वो शिरडी का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी है। शिरडी का अमीर हो या गरीब, उससे सब घनिष्ठता बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि बुरे समय में वही है जो इन सबके घर में राशन डाल सकता है। ये हैं शिरडी के वो स्तंभ जिन पर चढ़कर मुझे ऊपर उठना है। वाह साहब, सच में जहां मेरी सोच खत्म होती है वहां आपकी शुरू होती है। केशव, चलो बेटा नाश्ता कर लो। माँ, आपने कुछ नहीं खाया है, आप इतना काम क्यों कर रही है, सबके लिए इतना भोजन क्यों बना रही है? केशव, काम कैसे रुक सकता है, सबको तो भोजन करना होता है ना। मैं थोड़ी देर के बाद खा लूंगा, आप परेशान मत होइए। अरे पानी तो दिया ही नहीं। केशव, इसका मतलब सारा दिन तुमने कुछ नहीं खाया? तो क्या हुआ, आपने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है। तुम पूरा दिन मेरे लिए भूखे रहे? केशव ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्यों, मैंने उसे तो दंड नहीं दिया था। ये सब वो इसलिए कर रहा है कि मैं विवश हो जाऊं और दिया हुआ दंड वापस ले लूं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ना खाता है तो ना सही। हरि ओम। जो अरे वाह दादा, दादा आज तो तुम सचमुच शिरडी के राजा लग रहे हो। तुम्हारा रौब देखकर वो रत्नाकर जरूर तुम्हारी मुट्ठी में आएगा, देख लेना। उसे भी तो तुम्हारे थाट बाट और वैभव का पता चलना चाहिए। तुम्हें जो दायित्व सौंपा है ना, वो ध्यान में रखना। कहीं ऐसा ना हो कि अपने पेट पूजा की चिंता में तुम ये भूल जाओ कि रुक्मिणी को आज फूका रखना है। हरि ओम। और उस केशव के बहकावे में मत आना, वो चिकनी चुपड़ी बातें करेगा और तुम हरि ओम। हुँ।
चिंता मत करो दादा, मैं सब संभाल लूंगी। किसी को खाने के लिए जब कुछ बचाऊंगी ही नहीं तो कोई क्या खाएगा। बायजा माँ का दिया हुआ अनाज आज किसी के काम आएगा। केशव बहुत जिद्दी है, मैं जब तक ना खाऊं तब तक वो भी नहीं खाएगा। साई, मैं माँ को खुश नहीं रख पाया, मेरी वजह से माँ को दुख झेलना पड़ रहा है। 2 दिन से वो भूखी है, आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। माँ के लिए त्याग कर रहे हो लेकिन तुम भी तो भूखे होगे। अब और नहीं। ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? साहब के अतिथि है, पर मुख्य अतिथि तो आप है सरकार। मेरे साहब ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपकी सेवा में रहूं और आपका विशेष ध्यान रखूं और आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूं। आइए आइए सरकार। हरिओम। तुम्हारे साहब के यहाँ मुख्य अतिथि का स्वागत सेवक करते हैं क्या? लीजिए साहब आ गए। प्रणाम महानुभव। प्रणाम। और आप सबको एक मीठा सा धन्यवाद कि आप सबने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया और यहां पधारे। बैठिए। अतिथियों को प्रतीक्षा करवाना अतिथियों का आतिथ्य का अपमान होता है। क्या करूं कुलकर्णी सरकार, बेकाबू घोड़ों को काबू में करने का पुराना शौक है मेरा, बस वहीं फंस गया था। विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी। तबीयत कैसी है? अभी मैं ठीक हूँ बेटा,
थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। रत्नाकर जी, आपने तो एक दिन में ही इस घर की काया पलट दी। मालसपति जी, अच्छा वातावरण, अच्छी वस्तुएं और दोस्तों का साथ, मेरे लिए ये चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी किसी मछली के लिए जल होता है। देखिए, जब मैं शिरडी आया था तो किसी को भी नहीं जानता था, पर मैं यहां कुछ दोस्त बनाना चाहता हूं, कुछ ऐसे दोस्त जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं, जिनके साथ मैं निश्चिंत होकर अपना समय व्यतीत कर सकूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को यहां कोई असुविधा नहीं हो रही होगी। कुलकर्णी सरकार, वो क्या है ना रत्नाकर जी, हम ठहरे गांव वाले और इनसे हमें खाने की आदत नहीं है, हमें हाथ से ही खाने की आदत है। हरिओम। केवल अपने बात करिए मालसापति जी, मैं भी इसी गांव का हूं लेकिन आप जैसा नहीं हूं, कहीं कहीं शहरों में मैं भ्रमण कर चुका हूं, अंग्रेज अधिकारियों के साथ उठना बैठना है मेरा, मैं जानता हूं इनके साथ कैसे खाया जाता है। हरिओम। हाँ सरकार, आज हमें मौका मिला है तो हम भी देखते हैं कैसे खाया जा सकता है इससे। जरूर पीजिए आप लोग। साहब वो आ गए। Mr. Roberts, Mr. Roberts, so glad to see you. Thank you, you could make time for me. Yeah. Please, have a seat. आइए अपने नए मित्रों से आपका परिचय करवा देता हूँ। महानुभव, ये है मिस्टर एडवर्ड रॉबर्ट, ब्रिटिश सरकार के आर्किटेक्ट। गवर्नर ने आपके लिए कुछ भेजा है।
माननीय कुलकर्णी, श्रीमान रत्नाकर राव अंग्रेज सरकार के प्रभावशाली मित्रों में से एक है। वो शिरडी में मिल की स्थापना करना चाहते हैं आपको शिरडी का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है इसलिए अंग्रेज सरकार आपको आदेश देती है कि आप इस कार्य में श्रीमान रत्नाकर राव की सहायता करें। लेनी है तो जाओ अंग्रेज सरकार के कार्यालय में और अधिकृत पत्र लेके आओ। कितनी अच्छी सुगंध। दादा ने वहनी को खाने से मना किया था लेकिन दादा के जाते ही वहनी ने 56 भोग बनाना शुरू कर दिया है। बनाओ बनाओ क्योंकि खाने तो मैं दूंगी ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा से चोरी छुपे खाना? अच्छा ये कमरे में चोरी छुपे खाना बना रही है। मुझसे छुप नहीं सकती तुम। माँ हाँ? खाने की इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं बेटा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पेट भर खाना खा लिया है। हाँ माँ मेरा भी पेट भरा भरा लगने लगा है। माँ मैंने साई को याद किया था, लगता है उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। तो मेरा शक सही था, जरूर इन माँ बेटों ने चोरी से खाना खाया है। आने दो दादा को, फिर बताऊंगी। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। वचन दिया था मैंने आपको कि जैसे ही शिरडी में काम मिलेगा बीवी और बेटे को यहाँ शिरडी ले आऊंगा यही रहने के लिए। साई आपके आशीर्वाद से बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, बहुत धनवान बनना चाहता हूँ। लेकिन साई मैंने आज तक किसी धनवान में इंसानियत नहीं देखी। समझ नहीं आ रहा है कि धनी होना अच्छा है या बुरा। अच्छी और बुरी तो मंशा होती है बीवा, धन का सदुपयोग या दुरुपयोग ये इंसान की मंशा पर निर्भर करता है। हर
हर इंसान सुख चाहता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान अपने सुख में इतना खो जाए कि उसे दूसरे का दुख दिखाई ही ना दे, तो धन की ऐसी चमक अच्छी नहीं है। अगर ईश्वर ने तुम्हें धन दिया है तो उसे अपने समाज, अपने गांव, शहर, प्रांत की भलाई में जरूर लगाना चाहिए, जैसे नीम गांव वाले बाबा साहेब केलकर ने लगाया, ब्याहू बनवाए उन्होंने। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अमीरी को जरिया समझते हैं, लोगों तक ऊपर वाले की मोहब्बत, उसका पैगाम पहुंचाने का। लेकिन जो धन किसी जरूरतमंद के काम ना आए, वो चाहे कितने ही बड़े सेठ की तिजोरी में बंद क्यों ना हो, ऐसे धन का कोई मूल्य नहीं। अल्लाह।